नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनोज कुमार पीलीभीत से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं जानवरों के चारे के बारे में। हमारे किसान भाई चरी को तैयार कर सकते हैं और बरसात के मौसम में इसे किस प्रकार से बोना है बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए हमारी ये वीडियो। चरी के लिए पहले तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है। उसके बाद आपको मार्केट से चरी का बीज खरीदना होता है। आपको बता दें कि चरी का बीज देखने में पूरी दाल के जैसा दिखाई देता है, मसूर की दाल के जैसा दिखता है। सबसे पहले तो खेत की अच्छे से जुताई करनी है। उसके बाद आपको अगर चरी की बुवाई की बात की जाए तो अप्रैल मई के महीने में इसे बोया जाता है। हमारे किसान भाई इसे अपने जानवरों के लिए बरसात से पहले बो देते हैं, जिससे कि बरसात में हमारे किसान भाइयों के जानवरों के लिए चारा अच्छा मिलता रहे। अगर चरी की और बात की जाए तो एक कुछ दिन में ही तैयार हो जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस समय पूरी तरीके से चरी तैयार है और बरसात के मौसम में अपने जानवरों के लिए चारा हमारे किसान भाइयों ने तैयार कर लिया है। अगर चरी की बुवाई हमारे किसान भाई अपने खेतों में करते हैं तो इससे भी कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि चारा बिकता भी है, इससे भी हमारे किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर इसकी खेती अपने खेत में करते हैं तो। अगर चरी की और बात की जाए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हरी भरी और लंबी दिखाई दे रही है, ये जानवरों को काफी स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। अगर चरी की और बात करें तो ये एक बार बोने के बाद कई बार काटी जा सकती है, ऐसा भी बताया जाता है, और हमारे जानवरों के लिए ये बहुत ही बढ़िया उसका भोजन माना जाता है और इसे खिलाने से हमारे जानवर अच्छा दूध भी देते हैं। अगर हमारे किसान भाई इसे भूसे में मिलाकर अपने जानवरों को खिलाते हैं तो उससे हमारे किसान भाई गाय भैंस अच्छा दूध भी देती हैं। अगर हमारे किसान भाई के पास खेती कम है तो भी इसे थोड़ी सी जगह में तैयार कर सकते हैं और इसकी फसल तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई ने इसे थोड़ी सी ही जगह में तैयार किया है। अगर चरी की और बात की जाए तो आप इसे बीज के जरिए बो सकते हैं और इसे मार्च अप्रैल के महीने में बोया जाता है और जून जुलाई अगस्त में इसकी खूब सारी कटाई होती है और हमारे किसान भाई अपने जानवरों को भूसे में मिलाकर चरी को खिलाते हैं, जिससे गाय भैंस दूध अच्छा देते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।